आसमान ने तो नहीं भेजा किसी को मुझे परेशान करने के लिए। जो कब बदलेगा अंदाज वो सांस आ रही है आधी सांस। नर्स रेडी है मैम बिल्कुल मैम देखो मैं कब से ढूंढ रही थी कोई अच्छी स्क्रिप्ट ढूंढ रही थी कोई अच्छा शो ढूंढ रही थी कॉमेडी शो जिसमें मैं बिंदास काम कर सकूं लोगों को मजा करा सकूं मैं। तो ये जब नया महिसागर की बात हुई तभी मैं बोली कि शायद ये रोल है ऐसा मुझे लगा और फिर पता चला कि ये तो भूत की स्टोरी है और मुझे भूत बनना है तो मुझे और मज़ा आया। मैंने कहा रे वाह तो इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर थोड़ा मुझे उसमें मज़ा आया कि हाँ और लोगों को मैं दिखाई दूंगी नहीं और मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो थोड़ा और ही डिफरेंट लगेगा मेरे लिए एक चैलेंज भी हो जाएगा देखो कैसे हो सकता है। तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है मेरे लिए। पर्टिकुलर रीज़न तो नहीं है लेकिन शायद उस वक्त जब मैंने छोड़ा शायद मैं उस वक्त वो किरदार नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था काफ़ी साल तक तो मैंने सोचा था कि अभी मैं ऐसा किरदार नहीं करूँगी। तो डेफिनेटली कोई और टाइप का कॉमेडी होता तो आई वुड हैव लाइक टू डू इट बट ऐसा कुछ आया नहीं मेरे पास। और फिर इतना टाइम के बाद मुझे फिर से थोड़ा मन हुआ मैंने बीच में अलग अलग रोल सब किए तो अभी फिर से मेरा थोड़ा मन हुआ था कि हाँ थोड़ा मैं वापस कॉमेडी करती हूँ क्योंकि वो एक थोड़ा आई ऑलवेज एन्जॉयड माई सेल्फ इन कॉमेडी एंड तो इसमें फुल फ्लेज्ड रोल है तो देखते हैं लोगों को भी मैं मज़ा करा सकती हूँ कि नहीं। जैसे कि महिसागर में आपको देखा गया दीपाली बहन मेहता गरुड़ दिवाली दिवाली बेन मेहता तो उसमें लिखा है जन्मदिन के लिए किसी को उसको मालूम ही नहीं है उन्होंने पूछना नहीं था मरण दिन भी याद नहीं रहा। तो इसका मतलब यह कि एज इज नो बार मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई एज है और ये एज में मैं ये अब मैं जन्मी तो अब मैं मरी मतलब मेरी एक एज है तो ये एज वेज में कुछ मानती नहीं। शी इज बच्चा एट हार्ट मरने के बाद भी वो ऐसी ही है और जब जिंदा थी तब भी वो ऐसी ही थी मतलब किरदार का कोई एज नहीं रखा है। हाँ उसको दादी सास रिलेशन है तो दादी सास है वो बट शी इज़ नॉट अ पर्सन के वो अभी बूढ़ी हो गई और मैं दादी हूँ ऐसी नहीं है। देखो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया मुझे सराहा मेरे डिफरेंट मैंने रोल्स किए सब में मुझे चाहा है आपने तो बस ये और एक मुझे मौका दे दीजिए प्लीज़ देखिए मेरा शो नया महिसागर। मैं कुछ मैंने अलग तो नहीं लेकिन हाँ एक हंसी वाला मजाक वाला किरदार करने की मैंने कोशिश की है तो मुझे वो मौका दीजिए कि आपको मैं उसमें खुश कर सकूँ आपकी ज़िंदगी में थोड़ी हंसी खुशी मैं ला सकूँ ये मौका मुझे दीजिए। महिसागर देखिए आप 22 फरवरी से सोमवार से शुक्रवार शाम को 7:30 बजे आ रहा है मेरा शो। थैंक यू। मेरा कम्प्लीटली कॉमेडी कैरेक्टर है थोड़ी सी डम है थोड़ी सी इनोसेंट प्यारी सी चुलबुली सी बहुत ही प्यारी सी बहू है घर की बट उसे कोई भी कुछ भी कहता है समझ में तुरंत नहीं आता तो ऐसे ऐसे अजीब अजीब से रिएक्शन देती है जिससे लोगों को और हंसी आती है और मज़ा आता है और वो ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है जिसकी वजह से परेशानी कम और खुशी ज़्यादा फैलती है। तो ये बहुत ही प्यारा सा बहुत ही चुलबुला सा इनोसेंट अच्छा डम वाला कैरेक्टर है सोनिया का। सी बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू मही ऑल्सो आई एम क्लोज टू अनसुया और दादी सास तो हमें नहीं दिखती है बट ऑफकोर्स उनकी वजह से जो चीज़ें हो रही है कभी कभी हम डर जाते हैं कि ये क्या भूत आत्मा है कि क्या है बट उससे हमें जो सपोर्ट मिलता है हमें प्यार मिलता है और ऐसी ऐसी नादानियाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बहुत मज़ा आता है। तो वो जो सास और बहू का जो रिलेशन है मही और अनसुया का
उससे जो खुशी मिलती है, तो वी आर वेरी हैप्पी विथ दैट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सास एंड बहू. मैंने पहले सीजन में भी फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमेडी किया था. मुझे कॉमेडी आता ही नहीं है, तो मैं आई हैव स्टार्टेड विद नेगेटिव बट देन इट टर्न टू कॉमेडी शो. तो हम लोग ने जब कॉमेडी शुरू किया तो मुझे लगता है ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना डम इंसान, इतना बुद्धू कैरेक्टर, ये ऐसा कैसे रिएक्ट करता है. बट अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते इतना मज़ा आ रहा है कि कॉमेडी के अलावा मुझे और कुछ करना ही नहीं है. आई एम सो हैप्पी विद कॉमेडी, बहुत मज़ा आता है. प्लीज़ नया मही सागर देखिए, हंसिए और हंसाते रहिए लाइक सोनिया एवरीवन. थैंक यू मही जी. ये नया मही सागर के एक नया शो आ रहा है, आप करते हो, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ कह रही हैं आप नया मही सागर? मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. और सॉरी, अच्छा ओके, हाँ मैं मही का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ जो सीधी सादी लाइफ जीने वाली लड़की है. लेकिन पहले तो अपनी सास की मुसीबतों में फंसती थी, अब फंस रही है वो दादी सास की मुसीबतों में भी. तो सास, दादी सास और मही, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने अपनी मुसीबतों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है जो बढ़ती जा रही है. क्योंकि मेरी दादी सास आई है अपना सास धर्म निभाने, क्योंकि उन्हें अपनी बहू को थोड़ा ठीक करना है और उन्होंने सास धर्म निभाया नहीं, जो कि मेरी सास हमेशा मेरे साथ करती रहती है. तो डेफिनेटली वो मेरे थ्रू करेंगी दादी सास, तो मैं तो गोल गोल घूमने वाली हूँ. और जब दादी सास मेरी हेल्प करना चाहेगी कि ये बेचारी मेरी वजह से फंस रही है, तो एक और मुसीबत बढ़ जाएगी. सो आई एम वेरी श्योर कि हमारी मुसीबतों पर आप लोग बहुत हंसने वाले हो और आपकी मुसीबत दूर हो जाएगी, हमारी बढ़ती रहेगी. मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी कॉमेडी की नहीं जितनी मैं यहाँ पे कर रही हूँ. मैंने जो आगे दो सीरियल्स की थी वो बिल्कुल ड्रामा, रोना धोना, बालाजी का था तो वो भी ग्लिसरिन लगा रखे रो. और यहाँ पे मतलब हम सेट पे आते तो लग रहा है कि यार हम तो बस घर पे आ गए, एक और दूसरा घर है हमारा, फैमिली टाइप्स. और मैं ये बता सकती हूँ कि कॉमेडी सीरियल करने में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग वेरिएशन देने पड़ते हैं. एंड आई फील प्राउड दैट वी आर गाइडेड बाय जेडी सर्स थॉट. ये मेरा एक्चुअली सबका डिफरेंट डिफरेंट लुक है. जैसे कि मैं छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पूरा ट्रेडिशनल गुजराती लुक दिया गया है. और आप देख सकते हैं रिंग, चूड़ियाँ, इयर रिंग्स एंड फुल ड्रेसेस गुजराती ट्रेडिशनल. हाँ, तो सबके अलग अलग लुक है. मम्मा शी इज़ अ मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे, तो उनका भी पूरा लुक अलग है, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस दिखे गांव और शहर में. मैं बस यही कहूँगी व्यूअर्स को कि डेफिनेटली आई एम वेरी श्योर कि आप जब भी नया मही सागर देखोगे आप बहुत एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट और ड्रामा दिखेगा आपको उसमें. तो प्लीज़ देखिए नया मही सागर और आप अपनी सारी मुसीबतें भूल जाओगे हमारी मुसीबतों को देखकर. थैंक यू.